के एजाज में पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्रांस से आए सदारती अवार्ड याफ्ता फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी और उनकी बेगम जॉर्जिया के एजाज में पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन अतर जावेद सूफी, बशीर सदूजई, वसीम कुरैशी, कैसर इफ्तिखार ने महमूद भट्टी को उनके फैशन के शोबे में खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि महमूद भट्टी ने बड़ी मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। महमूद भट्टी ने कहा कि मेरी शनाख्त दुनिया में पाकिस्तान है, कराची में हमेशा मुझे मोहब्बत मिली। कराची वालों से मुझे बड़ी देर से प्यार है क्योंकि मैंने फर्स्ट शो अपना कराची से किया था यहाँ पे ना पीसी में ना, और मुझे याद है जब 96 में मैं यहाँ पे आया था तो लोगों ने पागल थे मेरे शो पे आने के लिए। आज सुबह जो मैंने एक टीवी प्रोग्राम यहाँ पे किया तो वो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहे थे मैं बड़ी यंग थी, मैं पागल थी, अंदर जाने के लिए मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। लेकिन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ऊपर से जो आपने मेरे लिए आज इज्जत और मुझे ये इज्जत दी है और किस तरीके से आपने मेरी तारीफें की हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। महमूद भट्टी के गैर मुल्की बेगम जॉर्जिया ने मुसर्रत का इजहार यूं किया। I like very much Pakistan. I like people Pakistan. Pakistan Zindabad for me. I like very much. It's very color. I like very much. It's very elegant. तकरीब के अख्तिताम पर मजेदार फूड्स के सीईओ हनीफ खान ने तहफ पेश किए जबकि इम्तियाजुल हक बुखारी ने अजरक पेश की। कैमरामैन तौसीफ अलीम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।